2014 के बाद से सीबीआई के रडार में आए 95% विपक्षी नेता। एनडीए के सिर्फ 5% नेताओं पर ही सीबीआई ने लिया एक्शन। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन द सीबीआई केस बुक में बड़ा खुलासा। क्या सच में एक तरफा कार्रवाई कर रही है सीबीआई? आंकड़ों ने उठाए बड़े सवाल। कभी कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो कभी पिंजरे में बंद तोता, कभी बीजेपी की कठपुतली। सरकारें बदलती रहीं और सीबीआई पर सरकारों के इशारों पर चलने के आरोप लगते रहे, लेकिन यूपीए या एनडीए कौन सी सरकार में सबसे ज्यादा विपक्षी नेता सीबीआई के रडार में रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन द सीबीआई केस बुक में इसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 18 सालों के दौरान कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में करीब 200 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किए, तारियां की, छापेमारी की या फिर पूछताछ की है। इनमें से 80% नेता विपक्ष के रहे हैं। बीते 8 साल में जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है, तब से विपक्षी नेता यही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सीबीआई को अपने इशारों पर चला रही है। आंकड़े बता रहे हैं 2014 के बाद से सीबीआई के विपक्षी नेताओं पर एक्शन के मामलों में तेजी से उछाल आया है। यूपीए के 10 साल के शासन में 72 नेताओं पर सीबीआई ने एक्शन लिया। इनमें से 43 यानी 60% नेता विपक्ष के थे, जबकि 29 नेता यूपीए के थे। 2014 के बाद से एनडीए की सरकार आने के बाद 124 नेताओं पर सीबीआई ने एक्शन लिया है। इन 124 नेताओं में से 118 नेता विपक्ष के हैं, यानी जिन पर कार्रवाई हुई उनमें 95% नेता विपक्ष के रहे। यूपीए और एनडीए दोनों ही सरकारों में ये धारणा रही कि जैसे ही कोई नेता सत्ता पक्ष में आकर पाला बदलता है तो सीबीआई का केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने इसे लेकर सीबीआई अधिकारियों से सवाल किए तो एक अधिकारी ने इसे सिर्फ संयोग बताया कि 95% विपक्षी नेताओं पर एक्शन एक संयोग है। बीते 8 साल में एनडीए के सिर्फ 6 नेताओं पर सीबीआई ने हाथ डाला है। 2004 से 2014 तक किस पार्टी के कितने नेताओं पर एक्शन हुआ है पहले वो देखिए, इसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। 2014 के बाद से टीएमसी के 30 नेताओं पर सीबीआई ने एक्शन लिया, कांग्रेस के 26 नेताओं पर एक्शन हुआ, आरजेडी के 10, बीजू जनता दल के भी 10 नेताओं पर एक्शन हुआ है, वाईएसआरसीपी के 6 नेताओं पर एक्शन हुआ, बीएसपी के 5 और टीडीपी के भी 5 नेताओं पर सीबीआई ने एक्शन लिया है। आप और सपा के 4-4 नेताओं पर एक्शन लिया गया, अन्नाद्रमुक के 4 और सीपीएम के 4 नेताओं पर एक्शन हुआ है, एनसीपी के 3 नेताओं पर एक्शन हुआ और अन्य 6 नेताओं पर एक्शन लिया गया। 2014 के बाद से सीबीआई के निशाने पर सबसे ज्यादा नेता टीएमसी के रहे हैं। ठीक इसी तरह यूपीए के शासन में भी कार्रवाई हुई थी। यूपीए के शासन में बीजेपी के 12 नेताओं पर एक्शन लिया गया था, बीएसपी के 5, टीएमसी के 4 और आईएनडी के भी 4 नेताओं पर एक्शन हुआ था, सपा आईएनएलडी और जेडीयू के 3-3 नेताओं पर एक्शन हुआ था, बीजेडी के 2 नेताओं पर एक्शन हुआ था, एलजेपी और आरएलडी के 1-1 नेताओं पर सीबीआई ने एक्शन लिया था, अन्य 5 नेताओं पर भी इस कार्यकाल के दौरान एक्शन लिया गया। इन्हीं आंकड़ों को लेकर विपक्षी नेता सड़क से संसद तक सवाल करते रहे हैं। हालांकि एक चौंकाने वाले आंकड़े में यूपीए और एनडीए दोनों एक समान हैं। दोनों ही दलों के कार्यकाल में देखा गया कि किसी भी नेता के सत्ताधारी दल के खिलाफ जाते ही उसके खिलाफ जांच शुरू हो जाती है और सत्ताधारी दल में आते ही नेता की जांच बंद कर दी जाती है। 2013 में डीएमके के यूपीए से अलग होने के 2 दिन बाद ही सीबीआई ने चेन्नई में पार्टी के नेता और वर्तमान सीएम एमके स्टालिन के खिलाफ छापेमारी कराई थी। एनडीए सरकार में भी इसी तरह पिछले महीने सीबीआई ने आरजेडी नेताओं से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये सभी छापेमारी ऐसे वक्त में की गई थी जिस दिन जेडीयू और आरजेडी सरकार का विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने जा रहा था। हालांकि ये दबाव काम नहीं कर पाया और जेडीयू और आरजेडी ने सरकार बना ली। इस जांच में सबसे बड़ा सवाल निकलकर यही आया है कि अगर यूपीए में विपक्षी नेताओं पर सीबीआई का एक्शन रेट सिर्फ 60% था तो एनडीए की सरकार आने के बाद 8 साल में यह आंकड़ा 95% कैसे पहुंच गया और सीबीआई के अधिकारी इसे सिर्फ संयोग बता रहे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्र.com।